सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। और अभी आज जो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ वो है इसकी चैन का इलाज, क्योंकि इसकी चैन से है ना मैं परेशान हो चुका हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये अभी मैंने यूट्यूब पे टेक बाइकर के चैनल में इसका सॉल्यूशन देखा। वैसे देख तो मैंने कब का लिया था, पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको ठीक कराऊँ। उस वीडियो में ये था कि ये जो रबर है, ये आपको दिख रही होगी ये वाली, ये लूज़ है और इसके यहाँ पे जो नट लगा हुआ है ना उसको टाइट कराना पड़ेगा। तो वैसे ये हिल तो रही है थोड़ी थोड़ी, और ये देखो, पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। यहीं से आवाज़ आती है, जो आवाज़ आती है। तो एक बार चल के इसको टाइट करा लेते हैं और देखते हैं कि फिर कुछ इसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं। देखता हूँ, अगर मेरे को कोई लोकली मैकेनिक मिलता है मैं उससे करा लूँगा, क्योंकि सर्विस सेंटर यहाँ से थोड़ा दूर है। तो देखते कैसा रहता है, चलते आपको सीधा मिलते हैं इसको ठीक कराते वक्त। तो भाई अभी तो सर्विस सेंटर ही आ गए हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो भाई अंदर तो शूटिंग अलाउड नहीं है, पर अभी वो गए हैं टेस्ट राइड लेने बाइक की। वो गए हैं बाइक की टेस्ट राइड लेने के लिए। अब इन लोग को समझ ही नहीं आ रहा चेन का इशू क्या है। वो बोल रहे हैं कि आपने कहीं और से सर्विस कराई है ये वो, देखते हैं क्या होता है। तो भाई अभी आ गए हम लोग दूसरे सर्विस सेंटर, युग बजाज, जहाँ से हमने अपनी बाइक की पहली सर्विस कराई थी। वहाँ से वो लोगों ने बोला कि आपने जहाँ से फर्स्ट सर्विस कराई थी वहाँ लेके जाओ, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि आप उनको बताओ, फलाना ढेंकाना। बोल रहे थे कि हम अभी इसको खोलेंगे, इसका वो सर्विस हिस्ट्री खोलेंगे, ये करेंगे, इसका जॉब कार्ड बनाएंगे, आप वहाँ से सर्विस कराए थे। मैं बोला कि भाई वहाँ पे उन्होंने चैन का कुछ किया ही नहीं था, तो क्या मैं उनको ले जाके दिखाऊंगी। अब मेरी गाड़ी कहीं मान लो बाहर ऐसा होता तो मैं क्या जहाँ से सर्विस करा तो वहाँ लेके जाता उसको ठीक कराने। मतलब बोल रहे थे कि हम कर तो देंगे लेकिन टाइम लगेगा, आप कल लेके आओ गाड़ी, नॉर्मल सब, बस इसको टाइट करना है इस रबर को। तो उसमें उन्होंने मतलब कहानी बता दी। तो मैं भी बोला हो गया, हटाओ यार, कौन इन लोग के पीछे मरे। तो फिर मैं बस अपने फेवरेट सर्विस सेंटर में आ गया, युग बजाज। क्या अभी खोल रहे हो उसको? उसको खोल के टाइट करना पड़ेगा। करो करो, नहीं आ रही ना? नहीं। देख लो भाई, भैया ने ठीक कर दी। जिसको N160 की चेन प्रॉब्लम ठीक करानी है यहाँ युग बजाज जाओ, 5 मिनट का काम था। बोल, 5 मिनट का काम, 5 मिनट का काम था ना। चलो भाई हो गया अपनी चेन का काम, अब चलते हैं यहाँ से इसका। देखो 5 मिनट का भी काम नहीं था, बस टाइट करना था। तो थोड़ा अब चलते हैं, हम भी टेस्ट राइड लेके आते हैं, तो देखते हैं कि आवाज़ ठीक हुई है कि नहीं हुई है, फिर आपसे मिलता हूँ। भाई अभी यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए और थोड़ी देर बाइक चला ली है, अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही चैन से। बस वो नट को बस थोड़ा सा टाइट ही करना था, खोल के भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको, हल्का सा टाइट कर दिया तो हो गया। रबर मेरी सही थी तो कोई नीड नहीं थी रबर को चेंज करने की। तो चलो अब चैन का इशू तो हो गया। एक बार मैं घर जाता हूँ और वहाँ पे भी अभी थोड़ा और इसको 5-10 किलोमीटर चलाते, फिर आपको एक बार मैं अच्छे से बताता हूँ कि क्या क्या हुआ और क्या आपको कराना है। तो गाइस फाइनली अब अपनी सोसाइटी में मैं आ चुका हूँ और पूरे रास्ते में को कहीं भी चैन से आवाज़ नहीं आई। मैंने बंद करके भी इसको थोड़ी देर ढुलकाया तो ऐसे कोई अब आवाज़ नहीं आ रही जैसे पहले आती थी। तो थोड़ा सा इस अब इसकी चैन का लूप का टाइम आ गया है, तो इस चैन को अब थोड़ा सा आप लोग लूप करेंगे। बाकी अगर आपकी भी N160 में चैन की प्रॉब्लम है तो आपको बस यहाँ पर इसको टाइट कराना है, और अगर आपकी चेन भी ढीली है तो उसको भी टाइट करा लेना और टाइम से लूप करना, फिर ये आवाज़ कभी नहीं आएगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना यार, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।